सब लोग जो अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स डालते हैं इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे, नीचे लोग बड़े मजेदार कमेंट्स करते हैं, पर जब से हमने ये सेगमेंट शुरू किया लोग और मजेदार कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। सोनम, यू वांट टू सिट हियर? या डू वन थिंग, यू आर बोथ कमिंग। No, that's okay. I'm good. No, you will not be able to. You won't be able to see it. It's there behind you. I can see. Okay. Bhej jaate hain. हाँ जी, picture दिखाई दे रहा। पहला ही अच्छा, मुझे तो कह रहे थे MF हुसैन से बनवाया, ये कहाँ से बनवाया आपने? My mantra for today: गर्मी, humidity और fox for fur. सब चलेगा, बस काम कर। इतना हाथ टाइट मैं किधर नहीं देखा अंग्रेजी। ओके, आइए कमेंट्स पढ़ते हैं नीचे। ये इतना काम इसलिए कर रहे हैं ताकि उससे पैसे इकट्ठा करके गाड़ी में छत डलवा सके। वेरी बैड ह्यूमर जिसने भी लिखा है। अक्षय पाजी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, जाम में फंसे थे तो उसमें भी इन्होंने फोटोशूट करवा लिया। लगता है इन्हें मैप पे भरोसा नहीं है, इसलिए ऊपर बैठ के देख रहे हैं किधर रास्ता खाली है। और दिखाइए भाई, फॉक्स की सी का F-A-U-X, what is that? X को प्रोनाउंस ही नहीं करते। फॉक्स, फोफर, 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 तो एक्स नाम नहीं लेना उसका, साइलेंट है वो। मतलब फेक, मतलब नकली, असली नहीं है। दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक इंग्लिश। फोफर, ऐसी जगह बैठ के बैलेंस बनाना सिर्फ अक्षय कुमार ही कर सकता है, मेरे तो 7 दिन तक दर्द रहा। और दिखाइए, नोरा ने फोटो डाला है, नीचे कमेंट्स देखते आइए। मैं भी बचपन में जब स्कूल जाने में रोती थी तो मम्मी पापा और दीदी मिलके मुझे ऐसे ही तैयार करते थे। लड़कियां कितनी भी बिजी हो कैमरा देखते ही पोज दे देती हैं। ये उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। और आगे आगे बढ़ते हैं, दिशा ने फोटो डाला, लुकिंग एट द एम्प्टी प्लेट बी लाइक। हाँ जी, दिखाइए जरा कॉमेंट्स दिखाइए। इनको इनके डॉक्टर ने बोला था 2 फोटो खाने से पहले, 2 फोटो खाने के बाद, और सुबह सुबह खाली पेट एक सेल्फी लेते रहना। ऐसी लड़की रेस्टोरेंट में आके बैठ जाए तो बगल वाला कस्टमर वेटर को एक्स्ट्रा टिप देके जाता है। ये सोच रही है कि अगर मैं एक्ट्रेस नहीं होती तो मेरी प्लेट में भी छोले भटूरे और मूंग दाल का हलवा होता। This is the best. That is good. और आगे दिखाइए, सोनम ने फोटो डाला है। Nice. बहुत ही ब्यूटीफुल फोटो है। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू रानी फ्रॉम गोडे गोडे चा। मेरी सबसे छोटी मासी ऐसे आती थी हमारे घर। सीरियसली 90s में ना? हाँ, ये 90s से एक्चुअली। हाँ, ये कलर, ऐसे सूट। हाँ। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ऐसी ही बहन जी हमारे यहाँ जनगणना की गिनती करने आई थी, पापा ने 8 में से 2 बच्चे छुपा दिए थे। आपकी प्रोफाइल पे बाकी फोटोज देखकर मेरी तरफ से तो हाँ थी ही, ये फोटो दिखा के मम्मी से भी हाँ करवा लेता हूँ। कौन है अभी? आगे दिखाइए। मेरे ससुराल वालों ने भी ऐसी फोटो दिखाकर मुझे फंसाया था, शादी के बाद पता चला वो सिर्फ फोटो में ही शांत दिख रही थी। माँ कसम बेसन का चिल्ला लग रही हो। और दिखाइए, मौनी ने फोटो डाला, ऑलवेज इन माई लेन माइंडिंग माई ओन बिजनेस। आइए नीचे कॉमेंट्स देखते हैं। लड़कियों की पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, अजीब अजीब बेजान चीजों के गले लिपट जाती हैं, और जो इनके लिए जान देने को तैयार है उनसे नहीं लिपटती। जिन लड़कों को लड़कियां हग नहीं करती वो ऐसे ही कार्टून बनके मॉल में खड़े रहते हैं ताकि लड़कियां हग करें। और नेक्स्ट, मौनी जी ज्यादा देर हग मत करना, सूखा पेड़ है, आग पकड़ लेगा। ये बहुत अच्छा रिप्लाई किसी ने किया। बहुत अच्छा। नहीं भाई, ध्यान से देखो, मौनी के पकड़ते ही इसके पत्ते हरे हो गए हैं। हमारे पापा कहते थे कोई टाल नहीं सकता होनी को, जिंदा सूखे घूम रहे भूत पकड़ रहे मौनी को। वाह, क्या शायर है। और दिखाइए, अक्षय पाजी डाला, 2 imperfect people who have perfectly been stuck together since 22 years. Happy anniversary. Such a beautiful picture, पाजी। आइए नीचे कमेंट्स दिखाइए। सर आप 22 साल बोल रहे हैं लेकिन लगता है 5 साल ही हुए हैं, मेरी तो 3 साल हुए हैं और लगता है 30 साल हो गए। कोई होगा दुखी बेचारा, शादी के 22 साल बाद भी हंस रहे हैं, सच में कमाल के एक्टर हैं। और दिखाइए,
मैं भी पत्नी के साथ ऐसी फोटो खिंचवाना चाहता हूँ, लेकिन हम दो मिनट भी बैठ जाते हैं तो कलेश हो जाता है. किसी ने रिप्लाई किया है, अपनी वाली के साथ बैठा कर. मैं और मेरी बीवी ऐसे ही हंसते हंसते फोटो खिंचा रहे थे, फिर उसने हीरे की अंगूठी मांग कर सारी फोटो खराब कर दी. और दिखाइए. मोरा अगेन, द कैटेगरी इज ग्लैम. ओफ, यू बेटा. दिखाइए. गॉड, ये किसका तंबू उखाड़ लाई आप? मुझे समझ नहीं आ रहा, टेलर ड्रेस बनाना चाह रहा था या रजाई. ऐसी ड्रेस किसी इवेंट में पहन लो तो एक टिकट पे चुपचाप 5 लोग घुस सकते हैं. ऐसी ड्रेस का एक और फायदा है, पुरानी हो जाए तो कार ढकने के काम आ सकती है. और दिखाइए. दिशा ने फोटो डाला है, सी प्लेन के साथ फोटो डाला, बहुत अच्छा. आइए देखते हैं कॉमेंट्स. कुछ वक्त इंडिया में बिताने के बाद दिशा पटानी अपने गांव मालदीव लौटती हुई. लगता है दिशा ने प्लेन की चेन खींच दी थी, इसलिए ये बीच पर ही उतर गया. मैडम पीछे वाला दरवाजा खुला है, वहां से घुस जाओ, ये नहीं खुलेगा, ये पायलट का है, पता है हमें. हमें लड़ पड़े ना आगे, हमको पता है. और दिखाइए. They notice such random things. सोनम ने फोटो डाला है, कैंसल ऑन हिम इफ ही डजंट लुक एट यू लाइक दैट. शेर बग्गा रिलीजिंग. एमी पाजी है ना. दिखाइए कमेंट्स. ये असली लड़का है या मैनी क्वीन है? ऐसा कैसे हो सकता है कि सोनम का ध्यान लड़के पर हो और उसका ध्यान सोनम पे ना हो? आदमी ऐसा ही होता है, पहले सोनम को देखता है, फिर सोनम मिल जाए तो किसी पूनम को देखता है. पूनम के चक्कर में जब सोनम चली जाए तो 10-10 के नोट पे लिखता है सोनम बेवफा है. और दिखाइए. सोनम ने अपनी कोल्ड कॉफी तो पी ली, अब लड़के से कह रही है आधा गिलास दे दे, तू मेरा भाई नहीं है. ऐसा बच्चे कर देते ना. और दिखाइए. दिस वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैजिक एंड गुड फूड. आइए कमेंट्स दिखाइए. आगे का पढ़ना कौन सा? ये क्या लिखा है? वो हैशटैग वो वेजिटेरियन टर्किश मील. देखा, खाने पीने की चीजें झट से पढ़ लेते हो आप. वैसे कहती मेरे को दूर का दिखता नहीं है. मेरा बड़ा भाई भी खाने के साथ मैजिक करता है, मैं आंख बंद करता हूँ वो मेरा रसगुल्ला गायब कर देता है. ये तो आप हैं इसलिए अच्छी लग रही हैं, कोई लड़का होता तो सब बोलते पी के पड़ा है. बात ठीक है. फर्श को देखकर लग रहा है ये थोड़ी देर में नागिन बन जाएंगी. और दिखाइए. खत्म. दोस्तों दिशा जो है ये अभी इजाजत लेंगी यहाँ से, क्योंकि ये भी अक्षय पाजी की तरह बड़े काम पकड़े हुए इन्होंने. तो इन्होंने अभी फ्लाइट पकड़नी है. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दिशा. थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ सेफ फ्लाइट. थैंक यू. शुक्रिया. बाय. हैव फन. हैव अ गुड फ्लाइट. बाय लव. हैव अ सेफ फ्लाइट. बाय बाय. बाय. हाय. हाय. कैसे हैं आप? बस ठीक है. थैंक यू. कितना अच्छा लग रहा है. देखिए आज आप यहाँ 1, 2, 3 4 हो गई हैं और 5 हीरोइनों के साथ आए हैं. अरे अपने आप को भी मिलाना है तो 7 बोलना टोटल. शर्मा जी आपको जितना एक्स्ट्रा करना है कीजिए, लेकिन आप ये बात तो मान गए कि हम हीरोइन हैं. ये बात तो है. नोरा जी बहुत सुंदर हैं. कभी कभी आपको देखते हैं ना, हमें ऐसा लगता है जैसे हम आईने में देख रहे हैं. तो तेरी बातों से लग रहा है तूने आईना फिर कभी देखा ही नहीं. और आपकी बातों से लग रहा है जैसे आपने और कुछ नहीं देखा, आप सिर्फ हमें ही देखते हैं. हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देते हैं. हाँ, हम हैं गुड़िया लॉन्ड्री वाली. जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं. और कपड़ा हम कमाल का धोते हैं एकदम. आप लोग अभी शो के लिए जा रहे हैं, न्यू जर्सी भी जाएंगे ना आपको. आपको पता है वो पहला न्यू जर्सी नहीं था, पहला वो पुराना जर्सी था. उसको ऐसा धो धो के साफ करके न्यू जैसा बनाया हमने, तब जाके न्यू जर्सी हुआ है.
कपड़ा हम बहुत अच्छा धोते हैं, इतना कमाल का कपड़ा धोते हैं, आजकल तो भूत बाहर नहीं निकलते हमारे कपड़े धोने की वजह से। डरते होंगे तुझसे? नहीं नहीं नहीं, क्या है, भागते भूत की लंगोटी हम धो दिए ना और वो धो के कभी हम भूतों को लौटाए भी नहीं। अच्छा। तो बेचारे शर्म से अब वो बाहर नहीं निकलते हैं भूत। भूत लोग भी शर्म करते हैं और तू मुंह उठा के हमारी चलती इंटरव्यू में आ जाती है। सर मुंह उठा के क्या होता है, मुंह घर पे रख के आए हम। बात तो सही है। अब कोई इंसान अपना घर पे मोबाइल भूल जाता है, चार्जर, कभी सुना है कोई अपना मुंह घर पे भूल गया हो? गर्दन भी तो भूल के आती है, कभी गर्दन लाई आज तक तू? सर मुझे एक बात बताइए, आपका ये नया गाना रिलीज हुआ है ना? हाँ, हुआ। आपको पता है बहुत अच्छे अच्छे उस पे कमेंट आ रहे हैं। हाँ तो? तो जाके रिप्लाई करो ना, बिजी रहो कहीं। और अक्षय कुमार जी कैसे जाना हुआ? जाना हुआ नहीं, कैसे आना हुआ ऐसे पूछते हैं? ये अमेरिका जा रहे हैं ना, तो यही पूछेंगे कैसे जाना हुआ। आज तू इसको नहीं हरा सकता। आज ये जो समझदारी वाली बातें कर रही है, इसने आज तक इतनी समझदारी वाली बात, मैं कितनी बार आया हूं। लाइफ टाइम अचीवमेंट देके हमने भेज देना आज। बहुत समझदार हो गई है बेटा तू। एक और समझदारी वाला बात फिर साथ में करते हैं। बताओ बताओ बताओ। रक्षाबंधन 2 अगर आपका फिल्म आता है, वो आप ही शर्मा जी के साथ बना रहे हैं क्या? क्यों नहीं, तो उनकी सारी बहनें साथ में क्यों लेकर आ गए आज? शट अप, ऐसी फालतू बात कर, मैं अंदर जाता हूँ, साड़ी पहन के आता हूँ, तुझे महिलाओं की तरह पीट रहा मैं। आपको सच बताएं, आपके फिल्म में विलन होता है ना, विलन, हमारे जीवन में 2 विलन हैं। दो कौन? ये एक तो ये है जो हमारी बातें काटते रहते हैं, दूसरी अर्चना जी जो ये ताना जो मारते हैं उस पर हंसती भी है। पता नहीं, नहीं पता नहीं ये अर्चना जी का क्या मजबूरी है, इनका चल रहा है पता नहीं। वही मजबूरी है जिसकी वजह से तू ये सूट पहन के आई, 2 चोटियां लगा के आई है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।